आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, उस जीवित प्रभु ने हम सब के जीवनों में जोड़ी है। हम सब आनंदित हैं क्योंकि आज का नया दिन, आज का ये बहुमूल्य दिन परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है। हम सब आज जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। हम आनंदित होकर प्रभु का धन्यवाद करें। तो आइए आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदलने जा रहे हैं। यर्मिया 31:13 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूँगा, मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपको असीम शांति से और आनंद से भरने जा रहा है। वो आपके जीवन के हर एक दुख को दूर करने जा रहा है। वो आपके जीवन की हर एक परेशानी को दूर करने जा रहा है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से परमेश्वर ने इज़राइलियों के दुखों को देखा जब वो मिस्र में थे, गुलामी के जीवन को व्यतीत कर रहे थे, उनके दुखों पर परमेश्वर ने दृष्टि की, उनकी परेशानियों पर परमेश्वर ने दृष्टि की और उनको परमेश्वर ने वहां से छुड़ा दिया और उनके दुखों को परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया। उन्हें जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती थी, परमेश्वर उन्हें उस देश में लेके गया और परमेश्वर ने उनके दुखों को आनंद में बदल दिया, उनके मातम के दिनों को खुशी में बदल दिया और उनके जीवन को शांति से भर दिया। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन के दुखों का अंत करेंगे और आपको शांति और आनंद से भर देंगे। आपको उस देश में लेके जाएंगे जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और जहां आपको किसी भी उत्तम वस्तु की घटी कमी नहीं होगी। ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द करेंगे। मेरे प्रियो, आज पूरी दुनिया में संकट आया हुआ है, आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे दुखों को दूर करूंगा और मैं तुम्हें शांति दूंगा और तुम्हें आनंद दूंगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से परमेश्वर ने इज़राइलियों के दुखों को दूर किया, उसी प्रकार परमेश्वर इस दुनिया के दुख को दूर कर देगा, हम सब के दुख को दूर कर देगा और फिर से हम सब के जीवनों में आनंद और शांति को भर देगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में किया, परमेश्वर ने अय्यूब के दुखों से उसे छुड़ा करके उसके जीवन को दोगुना आशीषित किया, उसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपके दुखों को देखा है, परमेश्वर आपकी चिंताओं को जानता है, परमेश्वर आपकी परेशानियों को जानता है। परमेश्वर बहुत जल्द आपको इन सब से छुड़ाएगा और आपको दोगुना आशीषित करेगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने अय्यूब को दोगुना आशीषित किया, परमेश्वर उसी प्रकार आपको दोगुना आशीषित करेगा। आपको जरूरत है तो विश्वास में बने रहने की, परमेश्वर पर भरोसा रखने की, उससे प्रार्थना करने की। वो निश्चय आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, निश्चय आपकी प्रार्थनाओं की ओर अपने कान को लगाएगा और आपको उत्तर देगा और आपको इन दुखों से, इन परेशानियों से, इन चिंताओं से छुड़ाएगा और आपके जीवन को आनंद और शांति से और आशीषों से भर देगा। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदलने जा रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं प्रेमी स्वर्ग पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, हृदय की गहराइयों से यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, मेरे प्रभु तेरी महिमा हो, मेरे प्रभु तेरी जय जयकार हो, मेरे पिता तेरी बड़ाई हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु यीशु। हालेलुया, यस माय लॉर्ड फादर, हम धन्यवाद करते हैं पिता। वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड फादर इन दिस मॉर्निंग। लॉर्ड फादर वी प्रेज योर नेम, वी प्रेज योर नेम प्रभु। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा ही नाम परमेश्वर महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, तारीफ के योग्य है। हालेलुया, मेरा मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ राजा के राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं,
अल्फा ओमेगा इन्फिनिटिव परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, एल सदाई एडोनाई परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, ओ यहोवा शम्मा यहोवा शालोम हालेलुया तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी जय जयकार हो। आज की सुंदर सुबह में हम सब मिलकर तेरे नाम की जय जयकार करते पिता, हम सब आनंदित हैं परमेश्वर, हम सब धन्यवादित हैं परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने रात भर में मीठी और अच्छी नींद दी प्रभु, एक नया दिन परमेश्वर आपने हम सबके जीवनों में जोड़ा है, हम धन्यवादी हैं मेरे प्रभु, हम धन्यवादी हैं कि हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारे परिवार के छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब हिफाजत से हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में यीशु मसीह ये भाई बहन जब प्रभु हम सब मिलकर तेरी उपस्थिति में है मेरे प्रभु, भर दीजिए परमेश्वर, भर दीजिए अपनी आत्मा से प्रभु, अपनी उपस्थिति से, अपने पाक रूह से भर दीजिए परमेश्वर, अपने अभिषेक से, उस गाढ़े पवित्र अभिषेक से परमेश्वर पिता हमें भर दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, छू लीजिए प्रभु परमेश्वर हमारे हृदयों को पिता परमेश्वर, आइए प्रभु आप हमारे हृदयों में आइए परमेश्वर, हम धन्यवाद करते यीशु लॉर्ड फादर, हम धन्यवादी हैं परमेश्वर तेरे आनंद के लिए, तेरी दया के लिए धन्यवादी हैं प्रभु, तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए जो तूने हमारे जीवन में दी है, जो उस करुणा के लिए धन्यवादी हैं प्रभु जो आपने हमारे जीवन में की है, उन भलाइयों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में किए हैं। हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी महिमा हो पिता। आज के पूरे दिन को यीशु मसीह हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, इस भाई इस बहन को, इसके परिवार के हर एक जन को मेरे पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। हम विशेष का धन्यवादी हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जो आपने हमारे हृदयों में बोया है प्रभु जी, सच में हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि सच में हम आशीषित हुए प्रभु आज के वचन से। आज की सुबह में प्रभु तेरे वचन ने हम सबको उत्साहित किया, हम सबके मनों में हमारे हृदयों में एक आनंद को दिया कि सच में प्रभु तू हमारे दुखों को आनंद में बदल देगा, तू हमारे मातम को, हमारे शोक को नृत्य में बदल देगा। यस माय लॉर्ड फादर, आप हमें आशीष देने वाले, हम मेरे दुखों को आनंद में बदलने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारी सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं। जब हम बीमारियों में होते हैं, जब हम दुख विपत्तियों में होते हैं पिता, आप हमारी सुधि रखते हैं प्रभु, आप हमें चंगा करते हैं, आप हमें आनंदित करते हैं, आप हमारे घावों पर मरहम लगाते हैं। हालेलुया मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। जिस प्रकार हमने देखा प्रभु जी, तूने इसराइलियों के दुख पर अपनी दृष्टि की, उनके दुखों को तूने देखा, उन विपत्तियों को तूने देखा कि किन ताड़नाओं में, किन विपत्तियों में वो वहां पर मिस्र में है प्रभु, तू उन पर दयालु हुआ। उसी प्रकार प्रभु तू हमारे लिए भी दयालु है, तू हमारे लिए भी प्रभु अनुग्रहकारी है, तू हमारे लिए भी परमेश्वर पिता भलाई से भरा है। जिस प्रकार दाऊद कहता है कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, उसी प्रकार हम सब ये भाई ये बहन इनके परिवार प्रभु तेरी भलाइयों को देखेगा। यस माय लॉर्ड फादर, मेरे पिता आज की सुबह में आपका वचन इनसे कहता है कि इनके दुखों को आपने आनंद में बदल दिया है। यदि आज ये समय है कि ये दुख में है, यदि आज ये समय है कि ये बीमारी में है, यदि आज ये समय है कि प्रभु ये विपत्ति मुश्किलों में है, अपने जीवन की कश्मकश में है, यीशु मसीह आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, आज की सुबह में हम ये रिसीव करते हैं, हमारे दुख दूर हो गए हैं, हमारे दुखों को तूने आनंद में बदल दिया है। आज की सुबह में हम आनंदित हैं क्योंकि तेरा वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। जिस प्रकार तूने इसराइलियों को मेरे खुदावन उस देश में पहुंचाया, आशीषों के देश में पहुंचाया, अपनी भलाइयों को दिखाया कि तू ऐसे देश में उन्हें ले गया जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं परमेश्वर पिता, उसी प्रकार आप हमें भी मेरे परमेश्वर, हमको भी पिता परमेश्वर ऐसी अपनी भलाइयों को दिखाएंगे जब हम भी परमेश्वर ऐसे देश में होंगे जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है मेरे परमेश्वर। यस माय लॉर्ड, आप इतने भले हमारे लिए हैं प्रभु, आप कितने प्रेमी हमारे लिए हैं पिता। आज की सुबह में यीशु मसीह इन भाई बहनों को आप प्रभु जी अपने आनंद से भर दीजिए। यदि इनके जीवन में दुख है, यीशु के नाम से वो दुख चला जाए। यदि इनके जीवन में बीमारी है, वो बीमारियां इनके परिवारों से, इनके जीवनों से चली जाए। वो दर्द से आप इन्हें छुटकारा दीजिए, शैतान के बंधनों से छुटकारा दीजिए। इनके जीवन के जो बंध
दरवाजे हैं यीशु के नाम से खुल जाएं, जो ब्लॉकेज इनके जीवन में है प्रभु, हर चीज से इनके जीवन में रुकावटें आ जाती हैं, सब कुछ ब्लॉक हो जाता है, ये फंस जाते हैं, यीशु के नाम से वो सारा ब्लॉकेज हट जाए। क्योंकि परमेश्वर हमें आशीषित करता है, वो हमें आशीष देता है प्रभु। यदि ये किसी भी बात के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं आज की सुबह में, तुझसे आशा लगाएं कि परमेश्वर हमें ये तुझसे मिल सकता है, हाँ मेरे प्रभु आपने ने दे दिया है मेरे प्रभु। पिता जो घर से आज बाहर निकलते हैं, आने जाने में आप उनकी सहायता और मदद करें। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं इस कोरोना वायरस से आप इन पूरे लोगों को प्रभु, जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, इनको और इनके पूरे परिवार को आप सेव करें प्रभु। ये दुख का समय हमारे पूरे देश में है मेरे प्रभु, इस पूरे संसार में ये दुख की घड़ी है परमेश्वर, इस दुख को आप आनंद में बदल दीजिए। इस कोरोना वायरस से आप हरेक को छुटकारा दीजिए परमेश्वर, इस पूरे देश को, इस पूरे संसार को छुटकारा दीजिए, ताकि हम अपने शोक के दिनों में नृत्य कर सके प्रभु, कि तूने हमें छुटकारा दे दिया है मेरे प्रभु। धन्यवाद, इनके जीवनों में आप इनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरतों को पूरा करें मेरे प्रभु। इनके संग संग चलिए प्रभु, इनके संग संग होइए प्रभु, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप इनके जीवन में करें, मिरेकल्स को आप इनके जीवन में आज की सुबह में करें। आज का दिन इनके लिए आशीषों भरा होने पाए, आज का दिन प्रभु इनके लिए खुशहाली का होने पाए, आज का दिन इनके लिए शांति भरा होने पाए। और प्रभु आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आप अपनी असीम शांति से हमें भरते हैं। आज की सुबह में प्रभु हम तेरे वचन को रिसीव करते हैं कि प्रभु हम सब आनंदित हैं, हम सब खुश हैं कि आपने हमारे दुखों को आनंद में बदल दिया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, जिस प्रकार अय्यूब के दुखों को आपने आनंद में बदल दिया प्रभु, उसी प्रकार इस भाई के दुख को, इस बहन के दुख को आप आनंद में बदल दीजिए। इनके प्रभु परिस्थितियों को बदल दीजिए, घर की बिगड़ी हुई परिस्थितियों को बदल दीजिए, रिलेशनशिप की बिगड़ी हुई परिस्थितियों को बदल दीजिए प्रभु जी, बच्चों की लाइफ की बिगड़ी हुई परिस्थितियों को बदल दीजिए, घर के हालातों को बदल दीजिए परमेश्वर, और इनके परिवारों पर आशीष दीजिए, इनके जीवनों पर आशीष करिए पिता। हम प्रार्थना करते यदि इनके जानने वाले घर परिवार से दूर हैं प्रभु, अपने घर से दूर है, अपने देश से दूर है, उनकी सहायता करिए, उनकी मदद कीजिए, उनकी विपत्तियों से उन्हें छुड़ाइए प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आज के पूरे दिन भर में परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में बढ़ सके, तेरा वचन ने जो वायदा हमसे किया है इस वायदे को थामे हुए, इसको हम अपने मुंह में अंगीकार करके रखें कि सच में परमेश्वर ने हमारे दुखों को आनंद में बदल दिया है, परमेश्वर ने हमें दुष्ट के बंधनों से छुटकारा दे दिया है, परमेश्वर ने हमारी सारी बीमारियों को उठा लिया है, परमेश्वर ने हमारे सारे दर्द को ले लिया है, परमेश्वर ने हमारे घर की बिगड़ी हुई परिस्थितियों को सुधार दिया है, परमेश्वर ने हमें अच्छा लाइफ पार्टनर दे दिया है, परमेश्वर ने हमें अच्छा जॉब दे दिया है, परमेश्वर ने हमारे जीवन के दुखों को खुशहाली में बदल दिया है। हालेलुया, धन्यवाद पिता, आपने ऐसा ही किया। और पिता ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं जानती प्रभु, इन भाई बहनों के मन में वो बातें हैं यीशु मसीह, आप उन बातों को पूरा करें। धन्यवाद करते हैं, ये जिस किसी बात के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह, आप उनकी सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।